अगर आप लोग ने भी पे टू पे के एप्लीकेशन से लोन ले रखा है और उसका रिपेमेंट नहीं किया तो इस केस में आपके साथ क्या क्या हो सकता है, या आप लोग रिपेमेंट करना चाहते हैं पर आपका पेनल्टी अमाउंट इतना ज्यादा हो गया कि रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, इस केस में आपको क्या क्या करना होगा, इस वीडियो में फुल डिटेल्स में बात करने वाले। तो चलिए स्वागत कर लेते हैं आपका हमारे इस चैनल लोन असिस्ट इंडिया पे, जहाँ पे आपको लोन के रिगार्डिंग सारे कंटेंट देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर आपका पेनल्टी अमाउंट ज्यादा हो गया तो उसको कम कैसे करवा सकते हैं। तो उसको कम करवाने का एक ही चांस है, एक ही जरिया है, जो कि है आपको कंपनी से कांटेक्ट करना होगा, उनको ईमेल करना होगा, कॉल करना होगा, रिक्वेस्ट करना होगा। एक दो बार क्या होगा कि वो लोग रिजेक्ट कर देंगे, वो लोग मना कर देंगे, फिर भी आपको एक दो बार और रिक्वेस्ट करना है। उसके बाद रिक्वेस्ट कीजिएगा तो वो लोग मान ही जाएंगे, क्योंकि उन लोगों को लोन रिकवर करना है अपना। तो ये बात हो गई पेनल्टी अमाउंट की, पेनल्टी अमाउंट कम करा सकते हैं आप। अब बात कर ले अगर आप लोगों ने रिपेमेंट नहीं किया तो आपके साथ क्या होगा। ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं होगा, आप लोगों ने सिविल के ऊपर, सिविल जो स्कोर होता है उसके ऊपर उन लोगों ने लोन दिया है, तो आपका ये सिर्फ और सिर्फ सिविल खराब करेंगे, सिविल पे बैड इम्पैक्ट पड़ेगा, जिससे आपको फ्यूचर में लोन नहीं मिलेगा। अगर आपको फ्यूचर में अपने लोन लेना है या फिर आपको लोन ले सकते हैं तो इस केस में आपको रिपेमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपका सिविल एक बार खराब हो जाता है तो बहुत मुश्किल होता है उसको बढ़ाना, अच्छा करना। तो अगर आपके पास पेमेंट है तो पेमेंट करके ख़त्म कर दें, अगर नहीं है तो आपको कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, आपका सिर्फ ये सिविल खराब करेंगे और कुछ नहीं करने वाले। अब बात कर लेते हैं, बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है क्या आपको ये कॉल करेंगे, कॉन्टैक्ट पे कॉल करेंगे। कॉन्टैक्ट पे कॉल अब करना बंद कर दिया है कंपनी ने, अगर फिर भी कर रहे हैं तो ये लीगल है आपके ऊपर, कभी भी आपके प्राइवेसी को हैक करके ये कॉन्टैक्ट पे कॉल नहीं करना। अगर कॉल करते हैं तो आप उनके ऊपर केस भी वगैरह कर सकते हैं, तो इस पे आपके आपके फंडामेंटल राइट्स को हार्म किया जा रहा है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत देने की जरूरत नहीं है। अगर आप कॉल कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, सिंपली कॉल रिकॉर्डिंग ऑन करके बोलना है उनको कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, आप हमको कॉल जितना कीजिएगा हम डिस्टर्ब होंगे, हम नहीं कर पाएंगे पेमेंट। तो आप लोगों उनसे वक्त मांगना, और ज़्यादा कॉल आए तो कॉल उठाने की जरूरत नहीं है, दो तीन दिन पाँच दिन आप कॉल नहीं उठाइएगा, उसके बाद ये कॉल करना बंद कर देंगे और कुछ नहीं होने वाला है आपके साथ। और बहुत लोगों का क्वेश्चन ये भी रहता है कि आपके घर नोटिस भेजा जाएगा, नोटिस भेज सकते हैं, ये कोई भी लीगल नोटिस वगैरह नहीं होता, कोर्ट की तरफ से नहीं आता, ये रिमाइंडर नोटिस होता है और कुछ नहीं। ये सब उसमें लिख देंगे कि कोर्ट की तरफ से आया है, पर कोर्ट की तरफ से भैया जी लोग कोर्ट की तरफ से भेजने वाले हैं, नहीं भेजने वाले हैं, कुछ नहीं आपके साथ होने वाला है। तो इसमें आपको कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, आप इसका रिस्पांस भी नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। ये हो गए लीगल नोटिस के बारे में। बहुत लोगों का क्वेश्चन ये भी रहता है कि क्या आपके घर ये जो रिकवरी एजेंट है आ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो क्या इसकी सच्चाई है, मैं बता देता हूँ, आपके घर रिकवरी एजेंट आ सकते हैं, पर आपको यहाँ पे भी कोई लेने की दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिकवरी एजेंट आना इलीगल है, ये जज ने कहा है। मैंने एक स्पेसिफिक गाइडलाइंस भी बता, स्पेसिफिक वीडियोस पे एक गाइडलाइंस बताया है, उसमें आरबीआई ने सख्त सख्त मना किया, आरबीआई की गाइडलाइंस में सख्त से सख्त मना लिखा हुआ है कि रिकवरी एजेंट को भेजना घर पे इलीगल है, लोग ने लिखा हुआ है। तो आपके घर जब भी रिकवरी एजेंट आते हैं तो आप लोग को बोलना है कि मेरे पास जब पेमेंट होगा मैं डायरेक्ट कंपनी को पेमेंट कर दूंगा, आपको मेरे घर आने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी वो बदतमीजी से बात करते हैं, आपको रिकॉर्डिंग ऑन रखना, जब भी वो लोग घर पे हैं रिकॉर्डिंग ऑन रखिए, बस आपको कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, इसके बाद आपको कोई दिक्कत होगा भी नहीं। सिर्फ ये आप लोग फॉलो करते हैं कुछ कुछ स्टेप, तो आपको कोई दिक्कत होने की जरूरत नहीं है, दिक्कत नहीं होगा आपको। तो इसके बाद क्वेश्चन आता है क्या मेरे ऊपर केस वगैरह हो सकता है, तो केस से क्या सच्चाई मैं बता देता हूँ, आपके ऊपर कभी भी केस नहीं होगा। केस नहीं होना क्यों नहीं होगा, क्योंकि लोन लेना कोई क्राइम नहीं है, कोई भी पुलिस एफआईआर आपके ऊपर दर्ज नहीं होगा, और अनसिक्योर्ड, जब भी आप अनसिक्योर्ड लोन लेते हैं तो आपके ऊपर कभी भी केस नहीं करने वाली ये कंपनी, क्योंकि आपका ये स्पैन इस सब पे लिया गया है, कोई भी आपको किसी चीज़ को आप लोगों ने गिरवी नहीं रखा है, मतलब सिविल के बजाय, तो आपके ऊपर कोई दिक्कत नहीं होने वाला, सिर्फ ये सिविल खराब करेंगे बस, और कुछ नहीं करने वाले। तो अगर आपको थोड़ा भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए चलते हैं इस वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।